जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोम की अमावस्या के दिन सुबह पीस लो, पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए, एक लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए, शंकर जी के शिवलिंग को, वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटी, हाथ से कूटिए या कोई बैलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए, और पीस कर उसका उत्तन तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहां पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर हाथ में कलश लेकर, दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया, या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे, जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे, फिर निमित्त और लिख के रखना, अगली सोमती को फिर करना, जब सोमती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहां तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत, सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए, पीला चंदन घोल कर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए, 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए, जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए, वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर, शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है, उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए, जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए, 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए, शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमावस्या रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें, 108 नहीं बने 7 अवश्य दें, पूजन कर दिया लगाकर घी का दीप प्रज्वलित कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और कि गाय में फिर दूध जो आती है उसको फुलेरा दूध कहते हैं, फुलेरा दूध मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना, जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी छिन्न ना होना, अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान मरने से पहले हो सकता है छिन्न हो जाए, तो
और फुलेरा दूज का किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता, वो फुलेरा दूज। धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है, सुनाया था ना पहले कथाओं में, शिव तत्व को जानने मंदार और शमी पत्र की भी उस दिन बड़ी महत्वता रहती है, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन मंदार और शमी ये दोनों ऋषियों के बेटा बेटी हैं जिनके मंगल विवाह का प्रसंग भी फुलेरा दूज का आता है। मंदार और शमी का इसका प्रसंग कल की कथा में अगर भाव आया तो इसको स्मरण करेंगे। मंदार और शमी, शमी की पत्ती और मंदार का फूल, आंकड़े का जो पुष्प होता है उसका स्मरण, बड़ा रोचक उसका स्मरण है महाराज। शमी पत्ती का क्या महत्व है, मंदार का क्या महाराज? एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा, जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए, उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया, भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए। हर व्रत में जो बाबा से मांगा वो बाबा ने दिया, बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरुदेव, मैंने जो जो मांगा देव महादेव ने दिया, थोड़ा समय जरूर लगा पर मेरे बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मेरी बेटी जो कि कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी, उसका नहीं हो रहा था, बहुत प्रयास करा, हर एग्जाम में पीछे रह जाती, सिलेक्शन नहीं होता। अगला जब सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया, शहद का बेलपत्र बाबा शंकर को चढ़ाकर भेजा और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव है, ओ घड़ी